नमस्कार दोस्तों, अगर हल्की हल्की बारिश होती है तो हमारे गार्डनिंग प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर बारिश एक ही दिन में 10 से 12 इंच तक और वो भी लगातार 3 से 4 दिन तक आए तो एडिनियम जैसे प्लांट को एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत होती है। और ऐसी बारिश में भी आपके एडिनियम प्लांट्स कैसे हेल्दी रहे, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और ये वीडियो में कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट टिप्स दी है जो इस बारिश में भी आपके एडिनियम को हेल्दी रखेगा। दोस्तों, अगर लगातार बारिश हो रही हो तो आप अपने एडिनियम प्लांट्स को जितना पॉसिबल हो किसी शेड एरिया में रखें जहां बारिश का पानी इसे कम से कम लगे। और हाँ, अरेबिकम्स वेराइटीज़ बारिश में जल्द ही बिगड़ जाती है, तो इसे तो आप शेड में ही रखेंगे तो अच्छा रहेगा। और अगर आपके पास ऐसी एडिनियम के सीडलिंग्स है तो इसे कभी भी बारिश में ना रखें। अगर आप इसे बारिश में रखेंगे तो एक दो दिन में तो इसका ग्रोथ रहेगा, लेकिन ये फिर उसकी जो जड़ें हैं वो बहुत ही सॉफ्ट आती है तो तुरंत ही सड़ने लगेगी और विद इन अ वीक आपके सारे एडिनियम के सीडलिंग्स बिगड़ जाएंगे। तो आप एडिनियम के सीडलिंग्स को शेड एरिया में ही रखें। और अगर आपका प्लांट हैवी रेन में है तो हर दूसरे तीसरे दिन आप इसके पॉट को चेक करते रहे और पॉट में जो ऐसे पत्ते रहते हैं उसे हटा दीजिए। आपको लगता है कि ये पत्ते फर्टिलाइज़र का काम करेगा, लेकिन दोस्तों नहीं, बारिश में इसी पत्ते से फंगल डिसीज का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है, तो इसे तुरंत ही रिमूव करें। और साथ ही में अगर एडिनियम प्लांट्स पर ऐसे सड़े हुए पत्ते लगे हो तो इसे तुरंत ही रिमूव कर दें और उसकी ब्रांचेस को भी आप चेक करते रहें। और अगर आपको इसकी ब्रांच कुछ इस तरह की ब्लैक कलर की दिखे तो इसे हल्का सा प्रेस कीजिए। देखिए, ये प्रेस करने पर पूरी गल गई है। मैं एक आपको और ब्रांच बताता हूँ, वो भी ये ब्लैक कलर की हो गई है और इसे भी मैं अगर हल्का सा प्रेस करूँगा तो वो कुछ इस तरह की हो जाएंगी, यानी कि इस ब्रांच को मुझे कट करना ही है। अगर मैं इसे कट नहीं करूँगा तो ये जो है वो पूरे नीचे तक गल जाएगी और मेरा पूरा प्लांट बिगड़ सकता है। और जैसे ही आपको ऐसा सॉफ्ट पोर्शन दिखे तो आप इसे 2 से 3 इंच छोड़कर इसे किसी कटर की सहायता से इस तरह से कट कर लें। और जो कट पोर्शन है इस पर फिर से फंगल डिजीज ना लगे, इसके लिए आप इस पर किसी भी फंगीसाइड पाउडर या दालचीनी पाउडर लगा दें ताकि फिर से ये अफेक्टेड ना हो। इसी तरह जितनी भी सॉफ्ट ब्रांचेस है इसे कट कर दीजिए और इसे उस पर फंगीसाइड पाउडर का एक लेयर जरूर लगा दें। तो चलिए दोस्तों, आगे आपको मैं एक और टिप दिखाता हूँ, वो भी बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, जब लगातार बारिश हो रही हो और पॉट में से पानी प्रॉपरली ड्रेन नहीं होता हो तो ये कुछ इस तरह से पॉट में गिर जाएगा। इसे आपको तुरंत ही रिमूव करना है, नहीं तो आपके जो कॉडेक्स है उसमें रूट रॉट का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लिए बस आपको कुछ नहीं करना है, एडिनियम प्लांट्स को कुछ ऊपर से नीचे कुछ इस तरह से आपको हिलाना है ताकि जो पानी है वो नीचे बॉटम से आसानी से निकल जाए। अगर आप ये मेरी छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करेंगे तो इस बारिश में भी आपके एडिनियम प्लांट्स हेल्दी रहेंगे। थैंक्स।